शैतान ने जब भी वार किया वो दामन अपना बचाते थे, बातिल की सयाही को धोकर तौहीद कदर से पढ़ाते में नूह को बिठाया था, मूसा को तौर पे बुलाया था। आका की बारी आती है, आका की बारी आती है, तो बाब फलक भी खुल जाते हैं। नाज़रीन हम सुनने जा रहे हैं बच्चे से, इंशाल्लाह टैलेंटेड बच्चे से कुछ इशार सुनेंगे। हम इस वक्त चनियोड़ की इस पहाड़ी के ऊपर मौजूद हैं, जो सबसे चनियोड़ की मेरे ख्याल से सबसे ऊंची पहाड़ी है, तो आइए सुनते हैं। जी बेटा सुनाएं आप। जिस वक्त अरब की वादी में सरकार दो आलम आते हैं, जिस वक्त अरब की वादी में सरकार दो आलम आते हैं, बातिल की सयाही को धोकर तौहीद का दर्स पढ़ाते हैं। पैगाम हक का सुनाने में क्या तकलीफें आपने झेली थी, पैगाम हक का सुनाने में क्या तकलीफें आपने झेली, खुद कौम भी पत्थर बरसाती, खुद कौम भी पत्थर बरसाती, जब हुक्म खुदा समझाते थे बातिल की सयाही को धोकर तौहीद का दर्स पढ़ाते हैं। वो नूर था ऐसा लासानी थे जिसके करिश्मे लाफानी, वो नूर था ऐसा लासानी थे जिसके करिश्मे लाफानी, दो टुकड़े कमर हो जाता है, दो टुकड़े कमर हो जाता है, जब खैर रसूल फरमाते हैं, बातिल की सयाही को धोकर तौहीद का दर्स पढ़ाते हैं। शैतान ने जब भी वार किया, शैतान ने जब भी वार किया, वो दामन अपना बचाते थे, बातिल की सयाही को धोकर तौहीद का दर्स पढ़ाते हैं। कश्ती में नूह को बिठाया था, मूसा को तौर पे बुलाया था, कश्ती में नूह को बिठाया था, मूसा को तौर पे बुलाया था। आका की बारी आती है, आका की बारी आती है, तो बाब फलक भी खुल जाते हैं, बातिल की सयाही को धोकर तौहीद का दर्स पढ़ाते हैं। जिस वक्त अरब की वादी में सरकार दो आलम आते हैं, बातिल की सयाही को धोकर तौहीद का दर्स पढ़ाते हैं। जी नाज़रीन मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह हम आपको ये मुकम्मल जो है मनाजिर वो आपको दिखाएंगे, कुदरती मनाजिर इंशाल्लाह यूट्यूब सोशल मीडिया चैनल के ऊपर आप देख सकेंगे। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।